अच्छा अगर सारा तो पहले गो डैडी दे साइट अगर खरीदी है तो सा डीएनएस किस तरह ऐड करना वो तुसी पहले चैक करो। पहले अगर थोड़े को अगर तो तुसी होस्टिंग नवी ली है तो फिर थोड़ा डीएनएस नाल दोगे, तो अगर तुसी पहले होस्टिंग यूज़ करते पे हैं तो पहले भी साइट थोड़ी होस्टिंग ऐड आ तो तरीका की है डीएनएस कढ़न का, तुसी की करना वा कि होस्ट डोमेन टोल लिखना वा, डोमेन टोल के पहली साइट ओपन करी, पहली साइट वो थोड़े ओपन हो फिर यदि जी सर्च बार आएगी ना पहली साइड इन ओपन करके यदि जी सर्च बार होनी इस जगह पर जाके जी थोड़ी पहले डोमेन ऐड होनी ना उस होस्टिंग तुम कहना वो ऐड करी इस जगह पर जो तुम वो डोमेन ऐड करके तू प्रेस करना तो थोड़े को डिटेल आ जानी है। ये जाके देखो कि सारे तो पहले यह थोड़ा नाम जिद नाम जिन्हें खरीदिया हुई है यह थोड़ा नेम सर्वर आ नेम सर्वर थोड़ा ठीक है नेम सर्वर यह वा थोड़ा डीएनएस ए डीएनएस इतों इस जगह तो लैके डीएनएस वन डीएनएस टू इन्ना डीएनएस है थोड़ा आ कॉपी करके तुम फिर की करना जी अपनी साइट आ उस साइट पर तुम जाना हूँ असा की करना असा गो डैडी खोल लिया जिद जिते असा डोमेना की है बाय की माई प्रोडक्ट जावे माई प्रोडक्ट जाके 33 डोमेन टोटल ये अच्छा फर्ज करो आ डोमेन है जिद डीएनएस ऐड करा, तरीका सारे का यही है इतने जावे डीएनएस डीएनएस से क्लिक किया अच्छा डोमेन असा ये सिलेक्ट की डीएनएस ऐड करना सारे तो पहले इस जगह पर जावे असा इस जगह पर जाके इतने इंटर नवे इतने जाके असा अपना ऐड करा जरा नेम सर्वर लिया नेम सर्वर वन नेम सर्वर टू यह जाके थोड़ा ना नेम सर्वर टू कर देंगे ठीक हो गया इन उत्थे करांगे सेव सेव करके इत्थे करांगे यस इनू करांगे कंटिन्यू ठीक हो गया यह थोड़ा नेम सर्वर जिहड़ा वा ऐड हो गया हुण इनू किदा चैक करना ऐड होया कि नहीं है इस जगह पर जाके देखना देखो एन एस होस्टमोस्टर वन एन एस होस्टमोस्टर टू ठीक है यह साडा उहदे विच डीएनएस इस साइड दे विच डीएनएस ऐड हो गया ठीक हो गया यह थोड़ा डीएनएस ऐड हो गया और इस तरह ही तुसी सारिया साइटां दे विच अपना डीएनएस ऐड कर सकते हैं ठीक हो गया। अच्छा सैकेंड मैथड ये आ कि डीएनएस ऐड करने का तरीका है तुहानू सैकेंड मैथड के तरीके के तहत दस दिना कि सारा तो पहले तुसी डोमेन ते क्लिक करना समटाइम इस तरह ओपन होंदी है कि जिहदे ते डीएनएस नहीं ऐड हैगा उत्ते आएगा यूज़ माई डोमेन ठीक है देखो सारे तो डीएनएस ऐड है यह जी इतने जो यूज माई डोमेन है मतलब कि ये भी तुम डीएनएस ऐड करना ठीक है आ दो डोमेन तो डीएनएस ऐड करने वाला थोड़ा है हूँ तुम्हें की करना सारा तो पहले यूज अगर इस साइड पर करना ऐड तो इतने जा क्लिक करो यूज माई डोमेन इस जगह पर जा क्लिक करके असा कहूँगे फिर उत्ते जा करूँगा व्यू डोमेन सैटिंग व्यू डोमेन सैटिंग ते गए इस तो बाद असा नीचे जावांगे आ देखो मैनेज डीएनएस मैनेज डीएनएस तो बाद असा जावांगे चेंज चेंज क्लिक किया इतने जाके इंटर माई ओन डोमेन है ठीक है जी इस जगह पर गए इतने जाके असा अपना डीएनएस उठाया कॉपी डीएनएस पेस्ट डीएनएस वन तो डीएनएस टू होंदा इतने टू करता इनू करांगे सेव यस कंटिन्यू ठीक है हम नीचे जाके चेक कर या देखो डीएनएस वन डीएनएस टू ये साड़ा डोमेन होस्ट मोस्टर के डीएनएस ऐड आ गया होस्ट मोस्टर का डीएनएस गो डैडी के साइड के ऐड हो गया ठीक हो गया थोड़ा डीएनएस सैकेंड तरीका वा जिस तहत असा ऐड किया डीएनएस गो डैडी के थोड़ा तरीका कंप्लीट हो गया। अच्छा हूँ सारे तो पहले असा डोमेन ऐड करनी है डोमेन ऐड कर ली असा होस्ट मोस्टर ओपन कर लिया अगर होस्ट मोस्टर के असा डोमेन ऐड करनी है तो ठीक है डीएनएस ऐड कर सारा तो पहले डीएनएस ऐड करना डीएनएस ऐड कर तो बाद होस्टिंग साइट ऐड कर सकते हैं लिहाजा डीएनएस ऐड कर तो बाद
डोमेन ते क्लिक किया, असाइन ते क्लिक किया, ठीक हो गया। असाइन ते क्लिक करांगे उस तो बाद इस जगह पर जाके ऐसा यूजर डोमेन डैट इज नॉट ऑलरेडी एसोसिएट विद योर अकाउंट, ठीक हो गया। इस जगह पर जाके पेस्ट करांगे, यह वेरीफाई कर रहा है कि तुसी डीएनएस ऑलरेडी ऐड किया कि नहीं किया। यह देखो उन्हें स्टेप टू वेरीफिकेशन ओनर ओनरशिप वेरीफाइड, उन्हें थोड़ी ओनरशिप वेरीफाइड कर दी। यह मतलब है कि डोमेन डीएनएस थोड़ा ऐड आ साइट के, ठीक हो गया। हूँ तुसी जाके की करना असाइन दिस डोमेन, यह थोड़ी डोमेन ऐड हो रही है। इतने असाइन दिस डोमेन पर क्लिक करना, प्रोसेस हो रहा थोड़ा इस जगह तो देखो यह जो प्रोसेस करता ना ये एरर आना ये जरूरी है कि हूँ तुम इन करो रिफ्रैश तो थानू आप ही दस देगा कि डोमेन ऐड हो गई है। देखो यह चीज़ आ गई ना थोड़े उपर जाके, आ देखो डोमेन ऑलरेडी है मतलब कि डोमेन थोड़ी ऐड हो गई है, ठीक हो गया। हूँ थोड़ी डोमेन ऐड हो गई, हूँ तुम कहने ये उत्ते वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। अच्छा डोमेन ऐड हो गई साड़ी, हूँ असं की करना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, किस तरह इंस्टॉल करना वो की करना मार्केट प्लेस से क्लिक करांगे। हूँ इस चीज़ का जो प्रोसेस है मार्केट प्लेस से क्लिक करके प्रोसेस कर रहा थोड़ा आल राइट वर्ल्ड टेक टू टाइम। अच्छा मार्केट प्लेस से क्लिक किया, हूँ ऐड डोमेन क्योंकि असं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना ना, हूँ इस जगह पर जाके करांगे असं उसका नाम ऐड करांगे। टैगलाइन के ऐड कर देंगे बेसिकली होम, ठीक हो गया। एडवांस ते क्लिक करांगे, इतने जाके असं अपना ईमेल आई डी देवे, मर्जी दे दोगे देना इतने जाके ईमेल आई डी देना, इतने जाके असा यूजर नेम लिखांगे किसी चीज़ का भी जोड़ा असा जाके यूजर नेम इन बना लो। इतने जा करांगे नेक्स्ट डोंट सेव, हो गया। हुण इस जगह पर जाके असं अपनी डोमेन सिलेक्ट करांगे बै, ठीक हो गया। असं खाली स्पेस छड़नी, इतने कोई चीज़ नहीं लिखनी, इतने जाके नेक्स्ट करना। यह थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया। यह जो थोड़ी देर बाद असं चैक करना अपनी ईमेल के अगर तो वो थानू कह दिता कि यह प्रोसेस जरा लेंथी हो जाएगा ये, लेकिन ईमेल के जल्दी दस देगा कि कंप्लीट हो गया वा थोड़ा आ जाएगा अपनी साइड तो प्रोसेस कंप्लीट। ईमेल के दोवें मिनटों बाद अपनी ईमेल चैक करनी है, ईमेल चैक करने तो बाद जाके देखना कि इंस्टॉल उन्हें आप ही थोड़ा दस देना कि इंस्टॉल हो गया वा। ये बहुत लेंथी प्रोसेस करी जाना लेकिन ईमेल थानू पहले आ जानी है, ठीक हो गया। ईमेल सानू यदी आ जानी है पहले ही, तो बाकी वो जाके फिर असा यूजर ने पासवर्ड जो अपना रखा वा वो जाके लगावे तो थोड़े वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाना वा। इन्ना के काम है वर्डप्रेस इंस्टॉल का, थोड़ा प्रोसेस जारी है, दो चार मिनट लगने जाके तुसी अपनी ईमेल जाके चैक करो, जाके थोड़ी ईमेल दे जाके इन मेल आ रही है कि नहीं आ रही, सिर्फ दो चार मिनट लगने हैं प्रोसेस हो रहा। दो मिनटा के अंदर थोड़ा ईमेल आ जानी है, जो ईमेल आई डी तुम देता ना ये वो तो थोड़ा वो डिटेल आ जानी है, उन्हें थोड़ा शो करा देना कि भी थोड़ा ये कंप्लीट हो गया वा। ईमेल असा टाइम टाइम से देख देना वा कि हो
होल्ड टाइट वाइल वो सैट अप योर साइट, यानी कि वह कह रहा कि वेट करो असा थोड़ी साइट पर इंस्टॉल कर देने वर्डप्रैस। वर्डप्रैस थोड़ा इंस्टॉल हो कम अज़ कम 4 to 5 मिनट जरूर लगूंगे थोड़े वर्डप्रैस इंस्टॉल होने तक। इसका सिंपल मैथड यही है कि तुम जाके अपना ईमेल च जाके चैक करनी है कि जो थोड़ा जो जे ईमेल आ गई आ देखो थोड़ा ईमेल आ गई, ईमेल के उन्हें कहता कि ऑटोमैटिकली अपडेटेड ठीक हो गया, यदा मतलब कि थोड़ा वर्डप्रैस इंस्टॉल हो चुका वा, थोड़ा वर्डप्रैस इंस्टॉल हो। अच्छा हूँ वर्डप्रैस इन्हें शो कर दी कि थोड़ा इंस्टॉल हो गया इस जगह पर क्लिक करके तो तुम ओपन करना थोड़ा वर्डप्रैस इंस्टॉल हो गया। हूँ इतने जाके तुम्हें की करना इतने जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड लगाना जा ठीक हो गया, जिहड़ा यूजर नेम रखिया ओह तो जो पासवर्ड रखिया तुम इतने यूजर नेम अपना लगाओ तो इतने पासवर्ड लगाओ तो इतने करो तो थोड़ी वैबसाइट ओपन हो जानी है। यह थोड़ा कंप्लीट प्रोसैस आ, थोड़ा DNS ऐड किया उस तो बाद वैबसाइट किस तरह ऐड करनी है ओह तो वर्डप्रैस किस तरह इंस्टॉल करनी है, थोड़े तीन जो तरीके आ DNS ऐड करने तो लैके वर्डप्रैस इंस्टॉल करने तक थानू असा सारा प्रोसीजर दस दिता है। देखो तुम यूजर नेम तो पासवर्ड लाया तो हम इन लॉगिन करो। देखो तुम यूजर नेम तो पासवर्ड लाता हूँ थानू थोड़ा वर्डप्रैस इंस्टॉल हो गया। हूँ ये दो चार चीज़ा वा जो सारे तो पहले करनी है, एक तो तुम जाके SEO यूज करना होस्टमोस जो यूज़ करते उन्होंने ऑलरेडी SEO यूज होया हों, और दूसरा जोड़ा वा ये जाके अपने लिंकों की सैटिंग करनी है। सारे तो पहले जाना लिंक परमालिंक्स की सैटिंग करनी है, यानी कि तुम अपनी परमालिंक की सैटिंग करनी जाके इस जगह पर गए ऐ जाके सिलेक्ट करना तुम ठीक हो गया, ऐ सेव करता जाके तुम एक चीज़ तुम आ कर ली। दूसरा अपना पेर प्लग च एड प्लग करना, यदा क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करना ताकि थोड़े आर्टिकल जिस तरह ऐड कर दें वो सैटिंग हो जाए RSS। देखो हूँ तुम ये कर लिया, हूँ देखिए जो तुम क्लिक करोगे तो इतने क्लिक करोगे ना एड न्यू पोस्ट से थोड़ी क्लासिक कल एडिटर ऐड करने के ही थोड़ी सैटिंग होनी है थोड़े वर्डप्रैस की पोस्ट ऐड की जी सैटिंग है। देखो ए चीज़ा क्लासिक एडिटर ऐड करने ही होंगे, आ गया टाइटल है थोड़ा आ गया आर्टिकल ऐड का पोर्शन थोड़ी कैटागरी है जड़िया सारिया चीज़ा वा। और मैं उम्मीद है कि थोड़ा यदि कंप्लीट समझ लग गई होगी DNS किस तरह ऐड करना, साइट किस तरह करनी है होस्टिंग ऐड, और उस तो अलावा तुम्हें वर्डप्रैस किस तरह इंस्टॉल करना वा। वर्डप्रैस इंस्टॉल करने तो बाद तुसी बाकी साड़ियाँ वीडियो देख सकते हैं कि गूगल कंसोल किस तरह करना वो भी वीडियो साड़ी है, API की भी वीडियो साड़ी है, परमालिंक की सैटिंग में थोड़ा दसती है तुसी दूसरी भी वीडियो चैक कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मजीद वीडियो जी सा और आएगी जिन्हें तो थानू होर इनफोरमेसन मिलेगी इंशाल्लाह। लॉगआउट करके थोड़ा ये जो अज का लैक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।